नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिब्रन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक्शन, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को दिखाया बाहर का रास्ता, कलाकार सीट से लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी को घेरा, कहा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है भाजपा। कांग्रेस उम्मीदवार उज्जवल रमण सिंह ने बीजेपी को दिखाया आईना, कहा डबल इंजन की सरकार बनाम जनता का है चुनाव। अखिलेश का पीएम मोदी पर तगड़ा पलटवार, कहा दोनों शहजादे मिलकर देंगे ऐसी शह और मात, इनका पता नहीं लगेगा। चुनाव आयोग की बीजेपी को नसीहत, कहा धार्मिक सांप्रदायिक मसलों पर भाजपा लगाए लगाम, सेना पर सियासी टिप्पणी से बचे कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में अपनी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बाहर कर दिया है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। पार्टी ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पवन सिंह काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से NDA समर्थित उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। पार्टी ने दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ये आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के अरविंद शर्मा के हस्ताक्षर से जारी पत्र में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव में आप NDA के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका ये कार्य दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। अतः आपको दल विरोधी इस कार्य के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। इस बीच आजमगढ़ से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने सपा को UP में 62 सीटें जीतने का दावा कर दिया है, जिससे कि बीजेपी में खलबली मच गई है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश की सभी 62 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश की 79 सीटें जीती हैं, शायद 7वें चरण तक हम सभी 80 सीटें जीत लेंगे। अब समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वो सभी 62 सीटें जीतेगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि इस बार देश में परिवर्तन की लहर है और गुजरात सहित पूरे देश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। विपक्ष लगातार एक के बाद एक बड़ा दावा कर रहा है, जिससे बीजेपी में हलचल मची हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने देश में चल रहे चुनाव को लेकर कहा कि देश में परिवर्तन की लहर पूरी नजर आ रही है। हम पहले ही कहते हैं कि कांग्रेस को गुजरात में 10 से अधिक सीटों पर जीतने का भरोसा है। अगर इस तरह के परिणाम गुजरात में आते हैं तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। इतना ही नहीं, अब पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। जब 4 तारीख को वोटों की गिनती होगी तो परिवर्तन और बीजेपी को हार मिलेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिल्ली स्वाति मालीवाल मामले पर सरकार को जमकर घेरा और कहा कि बीजेपी जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर बात करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आपने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, और बीजेपी पर निशाना साधते हुए थरूर ने कहा कि भगवा पार्टी इस मुद्दे को बार बार उठाकर लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। आपका आधिकारिक बयान हो गया है, मुझे इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो हमारी नियुक्त व्यक्ति नहीं है, इसलिए यदि वे जानते हैं तो उन्हें ही बोलने दे। वहीं देश में बेरोजगारी महंगाई चरम पर है, उस पर चर्चा नहीं होती है। प्रयागराज से कांग्रेस के उम्मीदवार उज्जवल रमण सिंह ने कहा कि ये जनता और सरकार का चुनाव है और जनता इसे बखूबी लड़ रही है। प्रयागराज से कांग्रेस के उम्मीदवार उज्जवल रमण सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार बनाम जनता का चुनाव है, जब हम लोगों से मिलते हैं तो यही दिखाई पड़ता है। वहीं उज्जवल रमण सिंह ने कहा कि नीति और इस कार्यक्रम की लड़ाई में निश्चित तौर पर आज जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और इंडिया गठबंधन की निश्चित ही बड़ी जीत होगी। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार करते हुए कहा कि हम बिहार के लोगों का स्वागत करते हैं। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल सिंह खैरा ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस नेता बिहार के लोगों का बायकॉट कर रहे हैं और उन्हें पंजाब नहीं आने दे रहे। हमने कभी ऐसा कभी नहीं बोला और न ही कभी बिहार के लोगों का बहिष्कार किया। बिहार के लोग यूपी और पंजाब में बहुत आते हैं, काम करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आप नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर दिल्ली में जल संकट पैदा कर दिया है।
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी को कमजोर करने और शहर की जल आपूर्ति को सीमित करके दिल्ली के निवासियों के जीवन को बाधित करने के लिए एक नई योजना तैयार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य जल संकट पैदा करना है। 25 मई को दिल्ली में मतदान से पहले भाजपा ने आपको निशाना बनाने और दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एक नई साजिश रची है। इस साजिश के तहत बीजेपी ने अपनी हरियाणा सरकार के जरिए दिल्ली को मिलने वाला पानी रोक दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस नेता और वाराणसी सीट से प्रत्याशी अजय राय ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और गंगा में स्नान ना करने को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल हुए महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अजय राय ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं रख सका उसका महिला शक्ति संवाद करना बेमानी है। अजय राय ने वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुए एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की भी चर्चा की और कहा कि इस पर भी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए था। चुनाव अंतिम चरण में चल रहा है। आपको बता दें कि अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी को बेहद ही डरा हुआ और हारा हुआ प्रत्याशी बताया। उन्होंने कहा कि बनारस के लोग भोले भाले होते हैं और मोदी जी उन्हें ठगने का काम करते हैं, इसलिए मोदी जी से निवेदन है कि अब बनारस वालों का पिंड छोड़ दें। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।